तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मुझे राजीव बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूं और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ सादगी देखी है, जाती नहीं। आज देखोगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। तुमने अभी तक मेरे पास उनकी ताकत देखी कहां है? कहानी की शुरुआत में हम इंडियन आर्मी के एक सोल्जर को देखते हैं जो एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के बीच में होता है। वो सोल्जर ऑपरेशन के बीच में ही एक हाथ में फोन पकड़कर अपनी माँ से कॉल पर बात कर रहा होता है और दूसरे हाथ में उसके पास होता है एक एक्सप्लोजिव बॉम्ब। जी हाँ, वो सोल्जर अपनी माँ से कहता है कि शायद इस बार मैं अपने पैरों पर नहीं बल्कि तिरंगे में लिपट कर घर वापस आओ, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए आपको घबराना नहीं है। वो सोल्जर अपनी माँ से इतना कहता ही है कि तभी वहां पर फायरिंग होना शुरू हो जाती है और वो सोल्जर जल्दबाजी में अपनी माँ से ये कहकर कॉल कट कर देता है कि वो उन्हें बाद में कॉल करेगा। इधर केरला में बुरी तरह से डर चुकी उस सोल्जर की माँ बार बार अपने बेटे को कॉल करती है, लेकिन उधर कश्मीर में उनके फौजी बेटे का फोन स्विच ऑफ जा रहा होता है। वो सोल्जर अपने हाथ में एक एक्सप्लोजिव बॉम्ब को लेकर बड़ी ही सावधानी से एक घर की तरफ बढ़ने लगता है। अपने हाथ में एक्सप्लोजिव लिए टेररिस्ट की तरफ बढ़ रहा ये सोल्जर कोई आम सोल्जर नहीं, बल्कि इंडियन आर्मी के 42 राष्ट्रीय राइफल्स का ऑफिसर मेजर रशीद राजलक्ष्मी नाया था। अब कहानी जाती है कुछ समय पहले। मेजर रशीद, जो कि 2017 में कश्मीर के त्राल सेक्टर में पोस्टेड थे, उन्होंने और उनकी यूनिट ने मिलकर 4 मार्च 2017 के दिन त्राल सेक्टर में वहां की मेल पॉपुलेशन के लिए एक मेडिकल कैंप को ऑर्गेनाइज किया था। वैसे तो त्राल के लोगों को आर्मी के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाने वाले किसी भी कैंप में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये मेडिकल कैंप मेजर ऋषि ने ऑर्गेनाइज किया है तो त्राल के सभी आदमी इस कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। साल 2015 में त्राल में पोस्ट हुए मेजर ऋषि अच्छे से जानते थे कि अगर उन्हें इस इलाके से टेररिस्ट को खदेड़ना है तो उसके लिए उन्हें लोकल लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए मेजर ऋषि ने त्राल में अपनी पोस्टिंग के पहले दिन से ही वहां के लोगों के साथ घुलना मिलना चालू कर दिया था। मेजर ऋषि त्राल के लोगों के घर पर खाना खाते, चाय पीते, उनके बच्चों के साथ खेलते और जरूरत पड़ने पर पैसों से भी उनकी मदद किया करते थे, जिस वजह से कुछ ही समय में त्राल के लोग मेजर ऋषि की रिस्पेक्ट करने लगे थे और टेररिस्ट को पकड़ने में उनकी जितनी हो सके उतनी मदद भी किया करते थे। यही वजह थी कि जो लोग कभी इंडियन आर्मी द्वारा ऑर्गेनाइज किसी कैंप में हिस्सा नहीं लेते थे, आज उसी कैंप में मेजर ऋषि की वजह से लोगों की लाइन लगी हुई थी। ज्यादा नंबर्स में लोगों के आ जाने की वजह से मेजर ऋषि अपने कमांडिंग ऑफिसर से बात करके इस कैंप की टाइमिंग्स को दोपहर के 3 बजे तक करवा देते हैं। मेजर ऋषि कैंप में आए लोगों से उनका हाल चाल पूछ ही रहे होते हैं कि तभी मेजर ऋषि को उनके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल नीरज पांडे का कॉल आता है। कर्नल नीरज मेजर ऋषि को बताते हैं कि अभी अभी उन्हें इंटेलिजेंस में रिपोर्ट मिली है कि उनका एक हाई वैल्यू टारगेट हाफू गांव में छुपा हुआ है और ये हाई वैल्यू टारगेट और कोई नहीं बल्कि हाफिज मोहम्मद आकिब उर्फ आकिब मौलवी है। आगे मौलवी कोई छोटा मोटा लोकल टेररिस्ट नहीं था बल्कि हिजबुल मुजाहिदीन का एक कमांडर था जिसे वानी 2.0 के नाम से भी जाना जाता था। आगे मौलवी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया साइट्स का यूज करके इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने और कश्मीर के यूथ का ब्रेन वॉश करने का काम करता था। इसी के साथ वो इंडियन आर्मी अटैक्स को भी ऑर्गेनाइज करता था। मेजर ऋषि को उनके कमांडिंग ऑफिसर से खबर मिली होती है कि हाफू गांव में आकिब अकेला नहीं है, उसके साथ जैश ए मोहम्मद का एक और आतंकी सैफुल्ला उर्फ ओसामा भी छुपा हुआ है। मेजर ऋषि बिना देर किए अपनी क्विक रिस्पॉन्स टीम के साथ हाफू गांव के तरफ निकल पड़ते हैं। शाम को 4 बजे के आसपास मेजर ऋषि और क्विक रिस्पॉन्स टीम हाफू गांव पहुंच जाती है। गांव पहुंचते ही वहां के लोकल लोग उन पर ना पत्थर बरसाने लगते हैं, फेंकने लग जाते हैं।
थोड़ी ही देर में वहां पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का यूनिट भी पहुंच जाता है उनकी हेल्प के लिए। मेजर ऋषि तुरंत ही सीआरपीएफ और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की यूनिट को उन पत्थरबाजों को कंट्रोल करने का ऑर्डर देते हैं ताकि वो और उनकी क्विक रिस्पांस टीम टेररिस्ट को ढेर कर सके। मेजर ऋषि अच्छे से जानते थे कि अगर उन्होंने इन पत्थरबाजों की भीड़ के कंट्रोल में आने का वेट किया तो तब तक वो दोनों टेररिस्ट वहां से भाग जाएंगे। इसलिए मेजर ऋषि और उनकी क्विक रिस्पांस टीम जैसे तैसे करके भीड़ के बीच में से होते हुए हाफू गांव के अंदर एंट्री करती है। इसके बाद मेजर ऋषि अपनी क्विक रिस्पांस टीम को दो दो की टीम्स में डिवाइड कर देते हैं और उन्हें गांव का एक एक घर सर्च करने के ऑर्डर्स देते हैं और खुद अपने बडी के साथ घरों को सर्च करने लग जाते हैं। आधे घंटे तक कई घरों को सर्च करने के बाद मेजर ऋषि बाहर सड़क पर आकर खड़े हो जाते हैं। मेजर ऋषि सोच रहे होते हैं कि शायद अब तक वो दोनों टेररिस्ट यहाँ से भाग चुके होंगे कि तभी उनकी नजर उनसे कुछ दूर एक घर के बाहर खड़े कुछ लोगों पर पड़ती है जो पत्थरबाजों की भीड़ का हिस्सा नहीं थे ना ही पत्थरबाजी कर रहे थे। मेजर ऋषि नोटिस करते हैं कि घर के बाहर खड़े लोगों में से एक आदमी उन्हें लगातार घूरे जा रहा है। मेजर ऋषि भी उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी वो आदमी अपनी आंखों से मेजर ऋषि को एक घर की तरफ इशारा करता है। मेजर ऋषि समझ जाते हैं कि हो ना हो वो आदमी उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मेजर ऋषि अपने बड़ी के साथ उस घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। और उस घर के बाहर पहुंचने के बाद जब मेजर ऋषि पीछे मुड़कर उस आदमी की तरफ देखते हैं तो वो आदमी अपना सर हाँ में हिला देता है। उस आदमी से एश्योरेंस मिलते ही मेजर ऋषि समझ जाते हैं कि आगे वो रसामा इसी घर में छुपे हुए हैं और वो अपनी क्विक रिस्पांस टीम को घर को चारों तरफ से घेरने के ऑर्डर्स दे देते हैं। मेजर ऋषि ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर वो दोनों टेररिस्ट इस घर में मौजूद है तो उन दोनों टेररिस्ट के पास ऑब्वियसली हथियार तो जरूर होंगे, इसलिए मेजर ऋषि एक लाउड स्पीकर की मदद से उन दोनों टेररिस्ट को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी उनके ऊपर फायरिंग होना शुरू हो जाती है। मेजर ऋषि की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि घर के सेकेंड फ्लोर से उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग होनी शुरू हो जाती है। आगे वो रोसामा बार बार अपनी पोजीशंस बदल बदल कर घर के सेकेंड फ्लोर से मेजर ऋषि और उनकी पूरी की पूरी टीम के ऊपर अपनी AK-47 राइफल से गोलियां बरसा रहे होते हैं। जल्दी CRPF और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस भी इस एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन का हिस्सा बन जाती है और इसी के साथ एक जबरदस्त फायर फाइट शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में शाम के 6 बज चुके होते हैं और अब टेररिस्ट की तरफ से लगातार फायरिंग हो ही रही होती है। इतनी देर तक फायरिंग होने की वजह से मेजर ऋषि समझ जाते हैं कि ये घर हिजबुल मुजाहिदीन का सेफ हाउस है जिसके अंदर इतना असला बारूद यानी एम्युनिशन छुपा के रखा गया है कि टेररिस्ट कई घंटों तक लड़ाई कर सकते हैं। बहुत देर तक सोचने के बाद शाम 6:30 बजे के आसपास मेजर ऋषि अपने हाथ में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस उठाते हैं और अपने साथियों से उन्हें कवर फायर देने के लिए कहते हैं। अपने साथियों से मिल रही कवर फायर के बीच मेजर ऋषि उस IED को अपने हाथ में लेकर घर की तरफ भागने लगते हैं। मेजर ऋषि के पीछे पीछे उनका बड़ी भी फायरिंग करते हुए घर की तरफ भागने लगता है। कुछ देर बाद मेजर ऋषि और उनका बड़ी घर के मेन डोर तक पहुंच चुके होते हैं। मेजर ऋषि तुरंत ही उस IED को घर के मेन डोर पर प्लांट कर देते हैं और अपनी टीम को इशारा करके थोड़ा पीछे हटने के लिए कहते हैं। मेजर ऋषि अपने बड़ी के साथ घर के मेन डोर से दूर भागते हैं और उस IED के वायरलेस डेटोनेटर का बटन दबा देते हैं। तो क्या IED के ब्लास्ट से टेररिस्ट मारे जाएंगे? क्या IED ब्लास्ट होगा भी या नहीं? कैसे पकड़ेंगे मेजर ऋषि टेररिस्ट को भागने से, जानेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में दोस्तों। लेकिन तब तक आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए या शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। और अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर काम करने की सोच रहे तो सोचना वोचना बंद कीजिए यार। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी तो है आप लोगों को जॉब लिंक, उस पर बस आपने क्लिक करना है और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाना है। नमस्कार।